राहुल, इधर आओ तो। हाँ मैम, बोलो। जी मैम, बोलिए। हाँ बेटा, राहुल कहाँ जाके आया है? बड़ा खुश लग रहा है। वो मॉम, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गया था। हाँ बेटा, तुझसे कुछ काम था। जी मॉम, बताइए। ये मेरे मोबाइल पे 4-5 लड़कियों की पिक्स है बेटा, देख के बताना आपको कौन सी अच्छी लगी। क्यों मॉम? बेटा आपकी शादी करने के लिए सोच रहे। अच्छी लड़कियाँ हैं बेटा, NRI है और बहुत अच्छा ख़ानदान भी है, और हमारे लेवल के लोग हैं बेटा, हमें बिजनेस में भी काफ़ी फ़ायदा होगा ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ के। मॉम, मुझे नहीं करनी शादी। ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा? कभी ना कभी तो शादी करनी ही है ना। हाँ मॉम, लेकिन मुझे नहीं करनी। तो ठीक है राहुल, तुम शादी नहीं करनी है तो 2 साल के लिए तुम लंदन चले जाओ आगे की पढ़ाई के लिए। नहीं मॉम, मुझे लंदन भी नहीं जाना। राहुल, मैं सीरियस हूँ राहुल, तुझे शादी तो करनी है, नहीं तो लंदन तो भी जाना है पढ़ाई के लिए। ये क्या बोल रहे हो मॉम? मुझे ना लंदन जाना है ना शादी करना है मॉम। राहुल, कोई तो वजह होगी ना शादी नहीं करने की। वो ना मॉम, मैं ना एक लड़की से प्यार करता हूँ। कौन है वो लड़की और उसका ख़ानदान कैसा है? मॉम, वो अनिका भाभी की फ्रेंड अंजलि है मॉम। हाँ राहुल, उस लड़की से शादी करेगा तू जिसको चलने बैठने की तक तमीज़ नहीं है? क्या होगा हमारी रेपुटेशन का? हाँ बता, उस बदतमीज़ लड़की से शादी करना चाहता है तू? मॉम, वो बहुत अच्छी लड़की है और मैं उससे ही शादी करूँगा मॉम। क्या तू अभी बहुत नादान है, तू गरीब लोगों को नहीं जानता। ये लोग ऐसे ही होते हैं, अमीर लोगों को फंसाते हैं, उसके बाद में पूरी प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं, उसके बाद में छोड़ के भाग जाते हैं बेटा। मॉम, आप मेरी अंजलि को ऐसे मत कहो। अंजलि ऐसी लड़की नहीं है मॉम, अंजलि मेरे से प्यार नहीं करती थी। मैं ही उसके पीछे था मॉम, वो तो मेरी तरफ देखती थी भी नहीं। आप क्यों नहीं समझ रही हो मॉम? अंजलि ऐसी लड़की नहीं है मॉम, आप जैसे समझ रही हो, वो बहुत अच्छी लड़की है मॉम। आप उससे एक बार मिलो तो सही मॉम। उस दिन पता नहीं रिसेप्शन वाले दिन जो आपके ऊपर जूस गिर गया था ना, वो भी मेरी गलती थी मॉम। राहुल, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मेरी घर की बहू ऐसी लड़की नहीं बन सकती राहुल, तुझे बस इन 5 लड़कियों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, यही है मेरा फैसला। तो मॉम, आप मेरा भी फैसला सुन लीजिए, मैं शादी करूँगा तो अंजलि से, वरना किसी से नहीं करूँगा। मैं जा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं ना अंजलि के घर जाके अंजलि से ही बात करती हूँ।